ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले की 196वीं जयंती आज हम इस सर्किल पे मनाने जा रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म आज के दिन हुआ था और ये महान समाज सुधारक थे। इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कई कार्य किए थे जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर श्रद्धा से आज लोग इनको याद करते हैं। इनकी आदमकद मूर्ति लोकसभा में भी है, महाराष्ट्र की विधानसभा में भी है और जो इन्होंने कार्य किए थे आज पूरे भारतवर्ष के अंदर इनके कार्यों को याद करके और जन जन तक हम आज लोग जो मतलब ये पहुंचा रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र जिले के रहने वाले थे, ये महान समाज सुधारक थे। इन्होंने दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का एक पूरे देश में इन्होंने एक बुलंद आवाज़ उठाई थी, जिससे जो लोग उस समय पीड़ित थे उन्होंने पेपर के द्वारा, ये एक पेपर भी निकालते थे जिसका नाम था दीन बंधु, और इनको कार्यों को देखते हुए इनको पुणे के अंदर नगर पालिका के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर इनको मनोनीत पार्षद बनाया था। जब से आज तक ये मनोनीत पार्षद भी चले आ जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री महोदय का, जो महात्मा फुले बोर्ड भी बनाया और आज 11 अप्रैल की उन्होंने कल घोषणा कर दी थी पूरी छुट्टी राजस्थान में, आज 11 अप्रैल के दिन हमेशा के लिए छुट्टी भी की जाएगी। ऐसे आज हम महात्मा ज्योतिबा फुले की 196वीं जयंती हम बड़ी धूमधाम से आज ये मना रहे हैं। ताराचंद गहलोत, विकास सर्किल समिति अध्यक्ष पुष्कर। ये महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा राव फुले आज के दिन 11 अप्रैल 1827 को आज इनका जन्म हुआ। आज इनकी जयंती सभी लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने मिलकर धूमधाम से मनाई। महात्मा ज्योतिबा फुले जो सबसे पहले इन्होंने छुआछूत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उस वक्त का समय और कुछ कालखंड खराब था जब लोगों में एक भेदभाव की बहुत प्रचलन था और कुछ लोगों को ही वहाँ पर स्कूल में एजुकेशन मिलती थी, कुछ लोगों का दाखिला अन्य जगह मिलता था। तो इन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और स्कूलों में सभी को दाखिला मिले, सब शिक्षित बने, शिक्षा का सबको सहारा मिले और आगे बढ़े लोग बाग, इसके लिए उन्होंने बिगल बजाया था। और 200 साल पहले जब अंग्रेजों में, अंग्रेज़ भी इस समस्या को समाधान नहीं कर पाए तो इन्होंने समाज के बीच में आकर, और समाज के बीच में जब आए तो उनके साथ में ब्राह्मण भी थे, राजपूत भी थे और अन्य समाज के लोग भी उनके साथ लगे हुए थे, क्योंकि इन्होंने ये वो सब लोग चाहते थे कि हिंदुस्तान का चौमुखी विकास हो, हिंदुस्तान की सभी जातियों में विकास हो, सभी जाति एजुकेशन में आगे बढ़े, सभी जाति समाज की कुरीतियाँ मिटाए। सती प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया, कुरीतीय समाज में आडम्बर था उनका, आडम्बर का इन्होंने विरोध किया। तो इस तरह के महात्मा, इस तरह के जो पुरुष थे उनको महापुरुष की गिनती में है आज भारत सरकार ने माना है और हम उनकी जयंती सब लोग मिलकर धूमधाम से मनाते हैं। किस जगह मनाई आपकी जयंती? हमारी जयंती हमने अभी पुष्कर में नव महात्मा ज्योतिबा फुले से, माता सावित्रीबाई फुले के नाम से हमारे को नगरपालिका पुष्कर की तरफ से जमीन अलॉट हुई है, उसके अंदर जमीन के अंदर ही हमने उसी स्थान पर हमने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई। आपका नाम होता है? राजेंद्र महावर, महासचिव महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल मंच। प्रोग्राम आज महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल विकास समिति की ओर से युग पुरुष और महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले जी की 196वीं जयंती मनाई गई, जिसमें पूरे शहर के प्रबुद्ध जनों ने भाग लिया, सभी समाज के लोगों ने और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने यहाँ भाग लिया। और एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज 11 अप्रैल का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड का भी गठन किया। इन सबको लेके पूरे पुष्कर के जो है तमाम नागरिकगण, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित किया। और आज ये जो कार्यक्रम है ये पूरे राष्ट्र में जो है महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती मनाई जा रही है और सब लोग जो है एक संकल्प लिया गया है कि जो फुले जी के जो विचार है उनको आत्मसात करने का एक आज संकल्प लिया गया है। अजय सैनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महात्मा ज्योतिबा फुले। हिंदुस्तान के महान संतों में और जो शिक्षा के प्रति जागरूक करने वाले हमारे ज्योतिबा फुले जी की जो आज जयंती हम लोगों ने सबने यहाँ मनाई है,
इसमें सर्व समाज के लोग और सभी पार्टियों के लोग यहाँ उपस्थित हुए। हमारे ओबीसी मोर्चा देहात जिला अजमेर के पुष्कर मंडल के द्वारा भी हमने आज माला पहना करके और पुष्पांजलि अर्पित करके और महान संत ज्योतिबा फुले जी से जो जीवन में उनकी जो अच्छाई है, किस प्रकार से उन्होंने समाज का भला किया, शिक्षा में जागृति फैलाई और इस देश को जो प्रथम स्कूल उन्होंने दिया था और जो सावित्रीबाई फुले जो इस देश की प्रथम शिक्षिका रही, उस विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने उस जमाने के अंदर जब शिक्षा के प्रति और इसके प्रति जब कोई रुचि नहीं लिया करते थे और उनको बहुत विरोध का सामना करना पड़ा और उन्होंने जो सुधार किए थे उन सुधारों का आज परिणाम है कि आज ये देश आगे बढ़ रहा है। और ऐसे महान ज्योतिबा फुले जी से हम सब लोग उनकी अच्छाइयाँ, उनके जो दिए हुए संस्कार, उनके जो फैलाए उनको हम आगे और इस क्षेत्र में फैलाएंगे और उनका जयंती मना करके और उनके गुणों का हमने सबने आज ये किया। अशोक सिंह रावत, देहात जिला अध्यक्ष।